दिखाने भैया दिखाने इसका बैटरी बैटरी पकाने इस वाली करो माइक वगैरह है एक एक आज की वीडियो काफी ज्यादा बढ़ी क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चोर बाजार के बारे में। हाँ यार, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे कह रहे थे कि विशाल भाई चोर बाजार जाओ क्योंकि वहां पे बहुत सारे गेमिंग प्रोडक्ट हैं, एक बार आप मुझे जाके बताओ कि वहां से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं गया चोर बाजार और आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा क्योंकि मैं जाके वीडियो बना के आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी वीडियो बनी है। ठीक है, जो शुरुआत का इंट्रो है जो मैं बना रहा हूँ ये उस समय बना नहीं पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था, सुबह का टाइम था तो मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने सोचा कि अभी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं मैंने वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। आप देखोगे ना आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैंने आपको वीडियो में बताई है। ठीक है, तो ज़रूर देखना और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सब कुछ कैसे मिल रहे हैं, किस कीमत में मिल रही है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सब कुछ इसी वीडियो में। ठीक है गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप चोर बाजार जाना चाहते हो या नहीं भी तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखना, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेकर के आ जाता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं और मैं आपको बता दूँ अभी जो टाइम है वो सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लोग कोशिश करना कि थोड़ा सा जल्दी पहुंच सको क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। और आपको ये बात पता होगा कि सुबह सुबह मार्केट लग जाती है, 5 से 6 बजे मार्केट पूरी लग जाती है और जो भी अच्छे अच्छे सामान होते हैं ना वो सारे सेल आउट हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, जो लोग खरीद लेते हैं और जो बच जाता है ना, जो ख़राब माल बच जाता है तो वो ही रह जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी पहुँच सको ताकि लेट ना हो और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए। चलो चलते हैं लेट ना करते हुए। तो देख सकते हो दोस्तों ये है भीड़ यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, आप देख सकते हो अभी 6:30 हो चुके हैं, तो 6:30 हो गए और भीड़ देख सकते हो आप। और यहाँ पे बस राइट में हमें जाना है। और दोस्तों अब देख सकते हो यहाँ पे PlayStation 1 रखा हुआ है यहाँ पे ग्रे कलर का और यहाँ पे कुछ गेमिंग आइटम हैं बट कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी है मैं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक एक करके आपको नहीं दिखा सकता मैं, मतलब एक बार में पूरी गेमिंग का प्रोडक्ट दिखा दूँ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर्स रखे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कंट्रोलर हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो चोर बाज़ार में मिलते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो सामान मिलते हैं ज़रूरी नहीं है वो चोरी का ही हो, यहाँ पर सामान आपको कूड़े कबाड़े का वहाँ से भी उठा कर ला के देते हैं। देखो ये देख सकते हो गाइस, ये मैंने पूछा था, ये मुझे मालूम चला 200 रुपये का है लेकिन ये किसी काम का नहीं है क्योंकि कोई इसके साथ कोई वायर वगैरह नहीं दे रहे, कोई चार्जिंग का कुछ नहीं है और कैसे चलेगा कुछ नहीं बताया इन्होंने, और इनको ये वर्किंग है या नहीं ये भी नहीं पता उनका। ठीक है, तो यहाँ से खरीदना मुझे सही नहीं लगा। ये कीबोर्ड देख सकते हैं, कीबोर्ड भी बकवास है बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सही मिल जाती हैं। देख सकते हो और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो, लेकिन ये है कि ऑन होके मिल जाए आपको बहुत कम चांस है कि ऑन होके मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम चांस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए या फिर सारे चीज़ें ख़राब मिलती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकूंगा मैं। ये कंट्रोलर देख सकते हो, मैंने बोला उसको दिखाने के लिए, ये सब कुछ ठीक लगा मुझे, कंडीशन कहते हैं ना कंडीशन, बहुत अच्छा है कंडीशन कि चलाने लायक है आप देख सकते हो, लेकिन ये चलेगा या नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है गाइस। चलो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल कूड़े की तरफ फेंका हुआ है सामान, आपको जो सही लगता है आप ले जा सकते हो, जो सही नहीं लगता वापस रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लो चाहे मत लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख लेना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाए और कुछ भी लेके चले आए, आपको चेक करना है। ये देख सकते हो गाइस, ये लेडीज़ हैं थी, ये चेक कर दी थी क्या क्या है क्या नहीं है, इनको हेयर स्ट्रेटनर लेना था तो चाहिए होगा तो इनको ले रहे, लेकिन मेरे को ये कीबोर्ड सही लगा, कीबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे कीबोर्ड था वो सही था लेकिन चेक नहीं करवाने के लिए, और ये कह रहे थे मुझे कि चेक करवाना है तो जाओ वहाँ पे हमारे आसपास बैठे हुए दोस्त वहाँ पे जाकर चेक करवा, लेकिन पैसे दे दो, हमने नहीं दिया। ये देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और मैं आपको कुछ के प्राइस बताऊंगा जिसका जिसका मैंने पूछे थे, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मतलब ढंग का मेरे को साफ लगा नहीं कि मैं उसका प्राइस आपको बताऊं या कुछ ढंग का चीज़ सामान, क्योंकि जितने मेरे ऑडियंस है वो गेमिंग खेलना पसंद करते हैं, तो ये मुझे दिखाई दिया, ये गाइस ठीक लगा, लेकिन इसके जो अंदर के जो पिन होते हैं ना कंट्रोलर के वो ख़राब थे, ये PS2 का कंट्रोलर है, अगर आपको खरीदना भी है तो 400 रुपये में अच्छा खरीद लेना, नया खरीद लेना, पर यहाँ से लेना बेकार था। ठीक है, पैसे फंस जाते और कुछ नहीं होता। ये देख सकते हो यहाँ पे PSP हैं और भी बहुत सारे गेमिंग प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हो। ठीक है,
और जिसको वाईफाई वगैरह चाहिए हो तो वाईफाई तो कुछ नए भी मिल रहे थे। वाईफाई आपको लेना हो तो आप चेक करके ले लेना, अगर ऑन हो जा रहा है तो आप ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे गेमिंग प्रोडक्ट भी थे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको गेमिंग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मोबाइल मिल रहा है छोटा वाला, और आपको PSP PS Vita वगैरह जो मेरे सब्सक्राइबर्स कई दिन से बोल रहे थे वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है गाइस, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे भी सामान है, लेकिन काम चलाओ आप जो भी ले रहे हो चेक करके लेना। जो भी यहाँ पे जो PSP वगैरह हैं वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये ऐसे दे रहे थे, लेकिन मुझे सही नहीं लगा लेना। और क्योंकि मैं भी ले सकता था बट मुझे नहीं सही लगा तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं दूंगा तो वो सही नहीं लगेगा अगर कुछ ख़राब निकल गया या फिर प्रॉब्लम वगैरह आ गई तो, ठीक है। इसलिए मैंने लिया नहीं था, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन सामान है ये है कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हो गेमिंग प्रोडक्ट में बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे होंगे। और हाँ, PS3 Xbox भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बट वो बिल्कुल भी नहीं चलते, तो भूल कर भी वो सामान मत लेना, क्योंकि वो जो भी आते हैं ना गाइस यहाँ पे वो कूड़े में फेंके हुए आते हैं। जैसे किसी बच्चे ने चलाया होगा और वो फेंक दिया होगा, वो वाले प्रोडक्ट आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर्स वगैरह रखे हुए हैं बहुत सारे, और PSP हैं, हेयर ड्रायर वगैरह हैं, और बहुत सारी चीज़ें गाइस। देख सकते हो मैंने PSP उठाया था, लेकिन ये किसी काम का नहीं था, मतलब कूड़े में, मतलब इतना गंदा था ना, ना कंडीशन सही था और ना ही चल रहा था, इसलिए मैंने उसे वापस वहीं पे रख दिया। क्योंकि जितने भी आइटम्स थे ना बेकार थे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोलते थे विशाल भाई जाओ एक बार चोर बाजार में, आप बहुत सारे गेमिंग प्रोडक्ट मिलते हैं, जाओ देख लो, बट बहुत बेकार था। ये जो लैपटॉप देख रहे हो बहुत बेकार, और जितने भी प्रोडक्ट है ना यहाँ पे सबसे बेकार बेकार थी। कुछ चीज़ें थी अच्छी थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जर अच्छा था, ये घड़ी अच्छा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ लो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थे, मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं। जिसको एक बार जाना हो दिल्ली में है तो एक बार ज़रूर जाइए, देखिए आप भी इंजॉय करिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कैमरे थे जो आप निकालो, चलाओ, देखो चल रहा है तो ले जाओ, वरना मत ले जाओ। और जो कैमरे थे ना गाइस वो सिर्फ़ और सिर्फ 1200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये ऐसे प्राइस में थे जो भी आपको, लेकिन जो भी कैमरे थे ना वो बहुत पुराने पुराने थे, जिसके लिए रील्स चाहिए हुआ करता था। अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आइटम्स थे, घड़ी वगैरह हो गया जो कि बेकार था सही बताऊँ तो, और चीज़ें हैं यहाँ पे सही सही, आप देख सकते हो। जिसको iPad वगैरह या कुछ छोटे मोटे सामान लेने हो तो आप ले सकते हो, लेकिन प्राइस बहुत सस्ता है। आप जाइए एक बार चेक करिए, सस्ते सस्ते सामान है, आप देख सकते हो। ये तो चल रहा था, मैंने चेक करा था। ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी गेमिंग प्रोडक्ट रखा है, लेकिन वो भी बिल्कुल मतलब बेकार कह सकते हैं ना, बेकार वो था, क्योंकि चल नहीं रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। और वो कह रहे थे कि चल जाएगा आप ले जाओ, 800 रुपये का दे रहे थे, ले जाओ आपको मिल जाएगा, लेकिन नहीं दिया मैंने। ये देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया था यार, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इसका एक स्टिक है ना एनालॉग कहते हैं ये है ही नहीं। और मैंने उनसे कहा कि भाई इसमें स्टिक नहीं है एक, तो वो कह रहे नहीं भाई ऐसे ही रहता है ये, चल जाएगा आप ले जाओ। लेकिन मैंने कहा उनको कि भाई ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, फिर भी वो मानने को राजी नहीं। और मैंने ये देखा, ये भी काफ़ी अच्छा है कंट्रोलर, ये बिल्कुल मेरे को बढ़िया लगा, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन ये ऑन नहीं है, मैंने चेक कराई से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें पैसा ख़राब करना बेकार है। यहाँ पे और भी गेमिंग प्रोडक्ट थे, लेकिन ये तो बस मेरे को वही बेचना चाहते थे कि भाई ये ले जा और इसको देख ले। लेकिन अब सुनो यहाँ क्या कहते हैं, सुनो आप। और जब मैंने कहा कि नहीं भाई वो ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, क्योंकि हम गेम खेलेंगे कैसे, तो कह रहे नहीं भाई आप ले जाओ, 200 रुपये सस्ता दे देना, मतलब 400 रुपये का दे रहे थे, 400 रुपये का पीछे ही पड़ गया कि ले लो भाई, बस मैंने नहीं लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिमर वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन ये है कि चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि बैटरी नहीं है, आप लगाना बैटरी तो चलेगा, लेकिन ये गाइस सही नहीं था, मुझे नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, दो चार चीज़ें मैं लास्ट में हो सके तो आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो आप, चुनिंदा चीज़ें हैं जो सही होते हैं वैसे तो, और सब कुछ तो बेकार ही होते हैं, और कहते हैं चोर बाजार है, बट चोर बाजार नहीं है ये, ये कूड़ा बाजार कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कूड़े आते हैं, कूड़े कबाड़ जितने भी आते हैं वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं वो बचते हैं, वो यहाँ पे दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह हैं, आप देख सकते हो, लेकिन ये किसी काम के कंट्रोलर नहीं थे, मैंने आपको उठा के दिखाता हूँ एक, देख सकते हो ये PS3 का कंट्रोलर है, लेकिन ये ओरिजिनल ही, बट ये चल नहीं रहा था और ये ऑन ही नहीं हो रहा था, जो रेड लाइट आता है वो भी नहीं आ रहा था, रेड बटन जो दबाने पीएस बटन दबाने के बाद आता है वो भी नहीं आ रहा था। अभी देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें तो हैं, लेकिन क्योंकि चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे विशाल भाई आप ऐसे तो यार चोर बाजार में मिल जाते हैं, बट चीज़ें थी बट वो किसी काम की नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे जो कंट्रोलर जाओगे ना 100 रुपये, 200, 300 इतने में मिल जाएगा आपको, लेकिन इससे अच्छा है कि आप ओरिजिनल नया खरीद लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए मिल रहा था बट हमने इसको स्किप कर दिया।
आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आप जाओगे ना आपको इतने सस्ते सामान मिलेंगे, आप चौक जाओगे कि ले लूँ यार ले लूँ, बस मन यही करेगा कि ले लूँ। देख सकते हो बहुत सारे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, लेकिन जो भी है अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। आपको सबसे सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हो ये भी उठा के दिया ना PS3 है, वो पूरा पूरा PS3 है गाइस जो वो देख रहे हैं साइड में वो हाथ में लगा के, लेकिन यही है कि वो बेकार है, चलने वाला नहीं है, पूरा पूरा PS3 था वो, ठीक है बस कवर नहीं था उसमें। और आप देख सकते हो मैं आपको भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, आप देखते ही हैरान हो जाओगे, ठीक है, कि चोर बाजार में क्या क्या मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत सारे कंट्रोलर, बहुत सारे कंट्रोलर्स रखे हैं पीछे, बहुत सारे PSP हैं, लेकिन PSP उठाते ही आपने देखा PSP इतना गंदा है, मैं जो भी उठा रहा था ना गाइस वो सारे ही ख़राब थे, सारे मतलब एक भी चलाने या चलने लायक नहीं था। देख सकते हो इसका तो स्क्रीन ही नहीं था, स्क्रीन ही नहीं था तो क्या ही फ़ायदा इसका लेने का, और उसका पीछे का ही नहीं था कुछ, ठीक है। ऐसे कंट्रोलर्स थे, ऐसे PSP वगैरह भी थे, सब कुछ ऐसे। और ये देख सकते हो गाइस स्टीयरिंग व्हील, बहुत सारे लोग कहते स्टीयरिंग चाहिए स्टीयरिंग चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था बट अभी अवेलेबल हो गया है। और ये वाला तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा किसी को खरीदने के लिए क्योंकि बहुत ख़राब था, हाँ अच्छा लग रहा था देखने में, कंडीशन तो ठीक लग रहा था बट ये चलेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि जो इसका जैक वगैरह था वो ख़राब था और इससे कुछ बटन्स दब रहे थे, कुछ बटन्स नहीं दब रहे थे इसलिए। और ये दे रहे कितने रहते हैं, 2000 रुपये का दे रहे थे ये, 2000 रुपये, तो मैंने साफ मना कर दिया कि 2000 रुपये और हमने कुछ और पैसे मिलाएंगे तो हमें नया मिल जाएगा, बट ये बिल्कुल सही नहीं लगा मेरे को, ठीक है बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो अगर आप जाते हो तो ये मत खरीदना बिल्कुल भी, ठीक है। देख सकते हो हैंडल भी ठीक था लेकिन बट चलेगा नहीं, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, फुल गारंटी, ठीक है। आप देख सकते हो सब कुछ ख़राब था, सब कुछ ख़राब था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दिखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो ये भी PSP, ये जो चाइनीज़ PSP है ये है, बट ये भी किसी काम का नहीं, इसमें DVD लगता है, DVD कह सकते हैं या कुछ लगता है इसमें साइड में गेम के लिए, वो लगा सकते हैं, बट ये भी ऑन ऑफ नहीं था कुछ नहीं था, तो ये बहुत पुराना था तो हमने छोड़ ही दिया इसको, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो, बट बहुत ही कम यूज़ वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि अगर आप ख़रीदते भी हो तो अगर चल भी रहा है ना तो बहुत कम दिन चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आइटम थे यहाँ पे सब कुछ 200 रुपए का आइटम था, यहाँ पे जितने भी आइटम सब 200 ऐसे भी आइटम्स थे। और यहाँ देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी सामान है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा सामान था, बहुत अच्छा सामान, बस ये आपको यही कहेंगे कि हाँ ऑन हो जाएगा, आप चार्ज करना ऑन हो जाएगा चार्ज करना, बट मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो मत लेना, अगर वो चला के दिखा रहे हैं चल रहा है आप पूरा प्रॉपर वहीं पे चेक करो उसके बाद लेना, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कंट्रोलर था PS2 का बट इसका जो पिन है गाइस वो बिल्कुल टूटा हुआ है अंदर से, ठीक है, इसीलिए ये बेकार है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं इसको लेने का, ठीक है। और वो भी ये 100 रुपये का दे रहे थे, हम खरीद नहीं लेंगे यार बताओ, तो लेकिन था ये ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ PSP, ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में PSP था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, लेकिन गाइस ये ऑन ही नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा, वो ये कह रहे थे कि बैटरी लगाओगे तो ऑन हो जाएगा, इसमें बैटरी नहीं था गाइस, ठीक है। बैटरी लगाने को कह रहे थे बैटरी लगाओगे तो चल जाएगा, बट ये किसी काम का PSP नहीं लगा मुझे, क्योंकि यार जब तक ऑन होगा नहीं तब तक मैं लूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है। और ये मिल रहा था सिर्फ 700 रुपये, और भी बहुत सारे PSP थे लेकिन सारे का रेट जो था 700 रुपये ही था। आप देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप भी हैं और होम थिएटर्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हो तो ले लो वरना कोई बात ही नहीं है गाइस, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ ना मेरे चैनल पर आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करो और भी गेमिंग प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।